Hey, what's up everybody, my name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri. Hopefully aap log bahut behtar honge, acche honge, apna aur apno ka dhyan rakh rahe honge, jo ki bahut zyada zaruri hai guys covid ki situation mein. Sath hi sath main aap log ko bata dun ki ab seat matrix wala video jo maine already bana chuka hu, aap chahe to description mein uska link pada hua hai, aap wo ja kar dekh sakte hain ki seat matrix mein kya changes hue hain, kaun si nayi branches add hui hain, to wo kafi detail mein maine wo video banaya hai aur kya effect honge वो भी वहाँ पे बताया हुआ है. साथ ही साथ इस वाले वीडियो में हम लोग क्या बताने वाले हैं वो तो हम आपको लोगों को बता देता हूँ कि इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नई जो ब्रांच का जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है हमको वो किस तरीके से बनाना है, कहाँ तक हमको ब्रांच लगानी है और कहाँ तक लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी, तो उसका एक डिटेल वीडियो ये है. साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों को मतलब आता है प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना तो चाहें तो खुद बना सकते हैं, नहीं तो अभी सीखने का टाइम है नहीं क्योंकि आज 19 तारीख हो गई है, तो आप चाहें तो मुझसे रजिस्टर कर सकते हैं और हम लोग डिटेल में टेलीफोनिकली फिर डिस्कशन एक बार कर लेंगे और मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सारी चीज़ें बना के दूंगा. बहुत नमिल से मैंने चार्जेस रखे हैं. साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं जुड़ते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसमें एक ये चीज़ कीजिए कि इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम लोग कंटिन्यूसली लाइव आते रहते हैं. ठीक है जी, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब सबसे पहले आपको लेफ्ट में देखते हुए चलेंगे, तो लेफ्ट में आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि आरवी का मैंने सबसे पहले लगा रखा है. तो आरवी की मैं बात कर लेता हूं, तो आरवी में लगभग यहां पे जो ब्रांच हैं वो हैं 10 ब्रांच यहां पे आपको दिख रही होंगी और मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि ये कट ऑफ तक लगी थी लास्ट ईयर, तो ये ब्रांचेस आपको अगर आपकी रैंक इसके बीच में है तो आपको ये ज़रूर लगानी है. अब शुरुआत कर लेता हूं मैं, सबसे पहले आरवी दिख रहा होगा. आरवी की सीएससी मैं बता दूं 493 पे क्लोजिंग हुई थी, तो आरवी की सीएससी जरूर लगाना अपनी रैंक के अकॉर्डिंग और आरवी के आईएससी भी आप जरूर लगाइए, वो क्लोजिंग थी 910 पे. ठीक है, साथ ही साथ आरवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की ब्रांच नहीं ऐड हुई है, उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा. किनको मिलेगा? आरवी में जो ईसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा. अब आरवी की ईसी की बात कर लेता हूं, तो वो क्लोज हुई थी 2112 पे. ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन भी एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है यहाँ पे, वो क्लोज हुई थी 5360 पे. तो ठीक है, तो इसके बीच में जिसकी ब्रांचेस है वो ये ब्रांचेस ज़रूर लगा सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट टेलीकम्युनिकेशन की तरफ है, तो अदरवाइज ईसी तक मतलब आरवी की सीएस आईएससी लगा के फिर आप बीएमएस में आ सकते हो. ठीक है, अब मैं बीएमएस की बात कर लेता हूँ, तो बीएमएस का आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, बीएमएस भी सेकंड नंबर पर एक पॉपुलर कॉलेज है. बीएमएस में जो टोटल ब्रांचेज हैं वो हैं 12 और 12 ब्रांचेस के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईसीई सीएसई और आईएससी जैसी टॉप ब्रांचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पहले से अवेलेबल है, तो ये भी आप लगा सकते हैं. इसकी क्लोजिंग थी 970 पे सीएस की, आईएससी की क्लोजिंग थी 1106 पे और बीएमएस का जो एएमएल की जो क्लोजिंग थी वो 720 पे इसकी यहाँ पर क्लोजिंग हो गई थी. तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप देखोगे कि एएमएल की जो डिमांड है वो किससे ऊपर है, आईएससी से ऊपर है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जब कट ऑफ लगे तो आईएससी की कट ऑफ जो है वो बीएमएस के नीचे हो. अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, इसमें हम लोग सिर्फ 10 कॉलेज कवर करेंगे. ठीक है, अगला वीडियो उसमें 10 कवर करेंगे. ठीक है भाई, तो अब आप बात करते हैं रमैया की. रमैया की सीएस की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी एक्सक्लूसिव के अकॉर्डिंग 1504 पे. ठीक है, तो सॉरी, रमैया की जो सीएस की जो कट ऑफ लगी थी वो 1106 पे लगी थी और रमैया की आईएससी की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 1504 पे. तो रमैया का भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये चार नई ब्रांचें ऐड हुई हैं, मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया तो वो भी एक बार ज़रूर देखना. तो ये ब्रांचेस ऐड हुई हैं तो इसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा. ठीक है, लगभग इसमें मान के चलो जो अगर नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं तो जिन बच्चों की जो रैंक है वो लगभग 2500 तक है उनको वहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी. रमैया के बाद मैं आ जाता हूँ दयानंद सागर पे. दयानंद सागर की सीएस की जो क्लोजिंग थी वो थी 3889 पे, है ना. और दयानंद सागर में अगर आप देखोगे तो एरोनॉटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें पहले से कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन एक नई ब्रांच यहाँ पर दिख रही है मुझे. ठीक है, तो इसको भी कट ऑफ अगर कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन की मैं बात कर लेता हूँ तो ये भी कम से कम आपको मिलने की जो पॉसिबिलिटी बनेगी एक्सक्लूसिव राउंड अगर होता है एक्सक्लूसिव राउंड तक 4000 तक ये मिलने की पॉसिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगी. ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी ईसी की बात कर लेता हूँ दयानंद सागर की, तो ईसी का भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ईसी वाले भी हैं अपने साथ. तो 16258 पे बन हुई थी, इसको मैं मान रहा हूँ अगर पिछली तरह के का सिनेरियो रहता है तो ये कम से कम 18000 तक ये जाएगी. थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूँ, अब मैं बात कर लेता हूँ जेएसएस की. जेएसएस भी एक अच्छा कॉलेज है. जेएसएस की में जेएसएस में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस जेएसएस के दो कैंपस है, ये ध्यान रखना. ये वाला है जो जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कोड मैं साथ दिखाता हुआ चल रहा हूँ तो उसके हिसाब से काम करना है आप लोगों को, कन्फ्यूजन नहीं होना है. अगर देखो थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ हो तो किसी से करवा लो क्योंकि 1500 रुपये में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा जो मैं ले रहा हूँ, बाकी लोग तो कुछ 5 भी ले रहे हैं, पता नहीं कितने कितने पैसे ले रहे हैं लोग भाई, बहुत एक ही बार में रईस बनना चाहते हैं सब.
मैं जो ले रहा हूँ बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं उसको, क्योंकि कोर्ट जेएसएस के दो कैंपस हैं उसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसमें भी अगर देखोगे तो जेएसएस का मैं तो आपको आइडिया देता हूँ, इस बार इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंक्लूड की है, पहले कंप्यूटर साइंस नहीं थी, पहले कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम था, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस इंक्लूड की है तो उसकी जो कट ऑफ इनकी लगभग जाएगी वो जाएगी लगभग 3000 के आसपास इनकी कट ऑफ जाएगी उसकी, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए बनेगी, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए बनेगी। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जिन बच्चों ने मुझसे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, है ना। तो अब देखिए इसके बाद जेएसएस का मैं आप लोगों का देख लेता हूँ, जेएसएस का के बाद अब मैं देख लेता हूँ बीआईटी का। बीआईटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बीआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंप्यूटर साइंस है, ईसीई है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे। अगर मैं बीआईटी की लास्ट ईयर की बात करूँ सीएस वाले की तो 3948 पे ये सीएस की क्लोजिंग थी, आईएससी की बात कर लेता हूँ तो 5893 पे क्लोजिंग थी, और इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बीआईटी की एआईएमएल की तो उसकी जो क्लोजिंग है वो 6655 पे उसकी क्लोजिंग थी, ठीक है दोस्तों। तो ये इस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। ईसीई की मैं बात कर लेता हूँ बीआईटी की, तो ईसीई जो बीआईटी का लास्ट ईयर गया था वो बीआईटी का जो ईसीई है वो भी काफ़ी नीचे तक गया था, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो गया था 18514 तक, तो ये भी आप ज़रूर लगाओ। बीआईटी के बाद मैं बात कर लेता हूँ एनआईई मैसूर की। एनआईई मैसूर में अगर आप देखोगे तो ब्रांचेस कम हो गई हैं, सिर्फ 3 ब्रांचेस यहाँ पे रह गई हैं, कंप्यूटर साइंस, ईसीई और आईएससी, ये 3 ब्रांचेस सिर्फ यहाँ पे रह गई हैं। कट ऑफ इसकी मैं बता कट ऑफ का अगर मैं आपको जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे कि 4823 पे सीएस की, एनआईई की आईएससी की 7780 पे, और अगर मैं बात कर लेता हूँ एनआईई की तो 12923 पे ये क्लोजिंग हो गई थी। तो गाइस मोटा मोटा जो है मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो देखो जो इसमें मुझसे भी थोड़ी सी गलती हो गई थी अगर आप देखोगे तो, एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हो जाती है, एक्चुअली वो एनआईई नहीं है, द एनआईई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ मैसूर है, और उसमें कंप्यूटर साइंस, ईसीई, आईएससी सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। इसकी कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ तो इसकी ईसीई कट ऑफ थी 12000 के आसपास लगी थी। सीएस की जो कट ऑफ है एनआईई मैसूर की जो लगी है वो यहाँ पे लगी है, वो लगी है 4823 पे, और एनआईई मैसूर की आईएससी की जो कट ऑफ लगी 7780 पे। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल मैं यहीं तक डिस्कस करूँगा। तो इसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस लिया आरवी 1, बीएमएस 2, एमएसआरआईटी 3, दयानंद सागर 4, जेएसएस 5, बीआईटी 6 और एनआईई मैसूर। तो एक और मैं कर लेता हूँ बीएमएस आईटी की, मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर बीएमएस आईटी का एक दूसरा कैंपस है बीएमएस सीई का, तो बीएमएस आईटी जो है उसकी जो क्लोजिंग थी सीएस की 2624 पे, और उसकी जो आईएससी की जो कट ऑफ क्लोजिंग थी वो 8731 पे उसकी क्लोजिंग थी। अगर मैं बात कर लेता हूँ अब थोड़ा सा और आगे, तो इसके आगे अगर आप देखोगे तो बीएमएस के आईटी के बाद अब मैं बात कर लेता हूँ एक कॉलेज और ले लेता हूँ, एसएमवीआईटी। एसएमवीआईटी जो ओपनिंग थी, सॉरी क्लोजिंग थी 7408 पे, और सॉरी 7408 पे आईएससी की थी, और एसएमवीआईटी सीएस की जो क्लोजिंग थी वो 5408 पे क्लोजिंग एसएमवीआईटी की हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हो। एसएमवीआईटी को मैं बताऊं आपको ईसी 20,000 तक गई थी। तो अभी के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 10 कॉलेज को 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक और कर लेता हूँ, निट्टी भी कर लेता हूँ, चलो 10 हो जाएंगे पूरे, है ना। तो निट्टी की अगर बात करूँ सी एस तो 8674 पे, आई एस ई जो क्लोजिंग है वो 11680 पे उसकी क्लोजिंग हुई थी। मैं बता रहा हूँ बार बार ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि देखो एक्चुअली है क्या कि एक ही नाम के दो दो कॉलेज, अब एन आई ई है और एक द एन आई ई है, मैं उसमें खुद कन्फ्यूज हो गया था, अभी आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइए, अगर आप लोगों को चीज़ें आती हैं बहुत अच्छी चीज़ें, नहीं आती हैं तो मुझसे करवा लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मुझसे, या मतलब किसी से भी करवा लीजिए लेकिन किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। सिमिलर वीडियो नेक्स्ट है, तो एक सीक्वेंस पूरा चल रहा है, इससे पहले एक वीडियो है, ये सेकेंड है, आने वाला वीडियो थर्ड होगा, मैं हालांकि थंबनेल पे भी लिख दूंगा तो आप लोगों को और हेल्प हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, माय नेम इज करण, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।